इतने दस दिए कि हरविंदर बिंदरू नूं लुधियाना रैफर किया गया। लुधियाना तो साढ़े सहयोगी राजविंदर जुड़ गए ने। राजविंदर, किस तरह का माहौल इस समय लुधियाना विच नजर आ रहा है? ਨੀਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂਤਰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੂਤਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ सरपंच दीयां चोणां नूं लैके जिहड़ा असीं कह सकदे हां कि हमला करवाया गया। पर कितें ना कितें असीं देखणा होवेगा कदों तक जिहड़े आरोपी फड़े जांदे ने। पर असीं कह सकदे हां कि डीएमसी हस्पताल दे विच जिहड़े इलाज है कबड्डी खिलाड़ी, हुण देखणा होवेगा कि किस तरह की जिहड़ी हालत ने, क्योंकि कितें ना कितें जिस समय लिआंदा गया सी कहा जा रहा सी कि जिहड़ी हालत है गंभीर है। हुण देखणा होवेगा कि किस तरह दे हालत है। गल्लबात परिवारक मैंबरां नाल वी करन दी कोशिश करांगे, पर कितें ना कितें सहम दा माहौल बणिआ होइआ। परिवारक मैंबर वी जिहड़े ने कैमरे अगे आउण तों जिहड़े इनकार कर रहे ने, असीं कहांगे कि उहनां नाल गल्लबात करन दी जरूर जिहड़ी कोशिश करांगे। उहदा भरा जिहड़ा इत्थे जरूर पहुंचिआ होइआ लै के, पर अंदर डाक्टरां दे नाल जिहड़ी फिलहाल जिहड़ी आ उहनां वल्लों गल्लबात जिहड़ी कीती जा रही है। असीं कह सकदे हां कि गंभीर अवस्था दे विच लुधियाणा जिहड़ा रैफर कीता गिआ सी। जी जी राजविंदर, एस एस पी का भी बयान सामने आया। एस एस पी का कहना है जगदीप सिंह जग्गा ने यह हमला करवाया क्योंकि वह नहीं चाहता सी कि सरपंची की चोण लड़े, तो हुण जिवें विदेशों नाल तार जुड़ रहे ने। परिवारक मैंबरां का की कहना है, किसी नाल पहला तो कोई रंजिश सी या फिर कोई होर गलबात सी इस तो पहला? जी बिल्कुल, कितने ना कितने असीं कह सकते हैं कि जरूर इस संबंध में गलबात करेंगे, पर कितने ना कितने गंभीर जिहड़ी हालत बनी हुई थी, क्योंकि जिस समय गोलियां चला के जिहड़े ने आरोपी जिहड़े ने फरार हो जाते हैं, उस तो बाद जो हस्पताल में लिया जाता है, तो उसमें जो हालात को देखते हुए जिहड़ा लुधियाना जिहड़ा असीं कहांगे कि डीएमसी हस्पताल में रैफर कर दिया जाता है। फिलहाल डीएमसी हस्पताल में जिहड़े इलाज है कबड्डी खिलाड़ी, हुण देखना होगा कि कुछ जिहड़ा इस मामले के जिहड़ा अपडेट मिलती है, क्योंकि कितने ना कितने डाक्टरों के नाल फिलहाल जिहड़े परिवारक मैंबर ने उन्होंने वालों जिहड़ी गलबात की जा रही है। कुछ समय के गलबात करने की जरूर कोशिश करांगे, कोई जाणांगे कि कारण रहे हैं, कि पहला कोई धमकी वगैरह जां कोई अजिही गलबात हुई जां नहीं हुई, असीं जरूर इस उन्हां दे परिवारक मैंबरां तों भी इस दे संबंध में जानने की कोशिश करांगे। पर फिलहाल जिहड़ा जिहड़े इलाज है, क्योंकि हालत गंभीर होने के चलदे, क्योंकि गोलियां लगियां सी, असीं कह सकदे कि दो नौजवान आउंदे ने तकसर, दो नौजवान आउंदे ने मोटरसाइकिल दे उत्ते सवार हुंदे ने ते गोलियां मार के फरार हो जांदे ने, जिहदी सीसीटीवी तस्वीरां वी जिहड़ियां ने हुण सामने आ चुकियां ने। की कारण रहे ने, किहनां कारणां करके जिहड़ा कबड्डी खिडारी नूं निशाना बनाया गया है? बेशक कहा जा रहा है कि सरपंच दीयां चोणां नूं लैके जिहड़ा जरूर जिहड़ी है वारदात नूं अंजाम दित्ता गया, पर अस जरूर परिवारक मैंबरां नाल गल्लबात करन दी कोशिश करांगे कि किन्नी कोई पुरानी रंजिश जां किस तरह विदेशों बैठे एक शख्स दे नाल जगदीप सिंह जिसका नाम है। जी कह सकते हैं कि बिना इजाजत या कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जरा अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। अभी कह सकते हैं कि एमरजेंसी जिहड़ा इलाज चल रहा है, जिहड़े इलाज है पीड़ित, फिलहाल असीं कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जिहड़ी है अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल असीं कह सकते हैं कि तैयारियां जिहड़ा डीएमसी हस्पताल है, प्रशासन है, जां फिर जिहड़े इंतजाम जिहड़े इन्हां वल्लों कीते जांदे ने पुख्ता ने, जेकर कोई भी व्यक्ति उस जगह पर जाता है जिस जगह के उपर कबड्डी खिलाड़ी का इलाज चल रहा है, तो जरूर उस तो जिहड़ी पुछगिछ की जाती है, जां सिर्फ असीं कह सकते हैं कि डाक्टर जां सिर्फ ते सिर्फ परिवारक मैंबरां नूं ही फिलहाल जिहड़ी आ इजाजत दी जा रही है। किसी भी होर व्यक्ति को जिहड़ी आ उसके कोल जिहड़ी जाण दी इजाजत नहीं दी जा रही। पर कितना कितने असीं कह सकते हैं कि गंभीर हालत होने के चलदे डाक्टरों वालों जिहड़ा इलाज किया जा रहा है, जरूर डाक्टरों नाल भी गलबात करांगे ते किस तरह की हालत है इस बारे जानने की जिहड़ी जरूर कोशिश करांगे। जी पर लगातार जिस तरह कबड्डी खिडारियों पर हमले हो रहे हैं या फिर यूथ जो बिजनेसमैन है उन्होंने हमले हो रहे हैं, तो विदेशों में बैठे इस नैटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा है, पूरे पंजाब में वक्ख वक्ख थावां तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। संदीप नंगल अंबिया की जेकर गल की जाए 2022 का वो भी मामला है, तो किवें वेख्या जाए? जी
कह सकते हैं कि संदीप अंबिया नंगल जां असीं कह सकते हैं कि जदों उस समय जिहड़ा गोलीकांड होया सी उसनूं लैके कितें ना कितें असीं वड्डा जिहड़ा सहम जिहड़ा कबड्डी खिडारियों विच पिया सी, पर हुण दुबारा मुड़ तों जेकर कबड्डी खिडारी ते हमला हुंदा तां कबड्डी नाल जिहड़े संबंधित खिडारी ने उन्हां नूं वी जरूर जिहड़ा इस गल नूं लैके खालसा होवेगा कि की कारण है, क्यों जिहड़ा उन्हां नूं निशाना बनाया जा रहा है, कितें ना कितें सहम दा जिहड़ा माहौल होवेगा। जेकर जिस तरह यूथ जिसनों जिहड़ा कहा जा रहा है कि पंजाब दे विच नौजवानों नूं जिहड़ा खेडां नाल जोड़िया जाएगा, जेकर नौजवान खेडां दे विच खेडां नाल जुड़े हुए ने जां खेडां खेडदे ने उन्हां नूं धमकियां भरे जेकर फोन आउंदे ने जां फिर उन्हां नूं डराया जांदा जां उन्हां दे उपर हमला कीता जांदा है, कितें ना कितें वड्डे जिहड़े सवाल इस नूं लैके भी खड़े हुंदे ने। हुण देखणा होवेगा किस तरह की कार्रवाई इस मामले विच कीती जांदी है जां प्रशासन किस तरह के जिहड़े कदम चुकदा है, क्योंकि कितें ना कितें कबड्डी खिडारी उपर हमला होना बहुत कह सकते कि मंदभागा है, क्योंकि तर्कसार उसके घर के बाहर जां उसके घर के अंदर जिहड़ियां गोलियां चलाईआं गईआं ने सीसीटीवी तस्वीरां विच साफ दिखाई दे रहा है कि नौजवान किन्ने जिहड़े ने बिल्कुल असीं कह सकते उन्हां दे मन दे विच बिल्कुल भी जिहड़ा डर नहीं सी, शरेआम उह घर दे बाहर रुकदे ने उत्थे जिहड़ा गेट खड़काउंदे ने उस तों बाद इह हत्थ विच कबूतर फड़िआ ते गोलियां फायर करदे ने ते फरार हो जांदे ने मोटरसाइकल उपर फरार हो जांदे ने। फिलहाल सीसीटीवी तस्वीरां नूं लै के भी जिहड़ी है जांच कीती जा रही है जी। जी राजविंदर, फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने दस दिए विदेश में बैठे जगदीप सिंह जग्गा ने हमला करवाया, ए एस एस पी का कहना है, उत्थे लुधियाना डीएमसी हस्पताल में रैफर किया गया क्योंकि इस समय हालत नाजुक है। तो हरविंदर विंदरू सरपंची की चोण लड़े ए जग्गा नहीं चाहता सी इस करके हमला किया, जो जानकारी हुण तक सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि आखिर ये कौन दो नौजवान सन जो सवेरे गेट के बाहर खड़े होके फायरिंग कर देंगे ने बेखौफ, किस तरह नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सरपंच उम्मीदवार हरविंदर बिंदरू जिस पर हमला किया गया।